आज का यह जो वीडियो है यह किसी टाइप का एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने के बजाय एक टाइप का आप इसको मोटिवेशनल वीडियो समझ सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने पहले सक्सेसफुल ब्लॉग की स्टोरी शेयर करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सफलता पाई ब्लॉगिंग के फील्ड में और कैसा था मेरा पहला ब्लॉग, मतलब कौन से डोमेन था, क्या सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, कितने पोस्ट डाले, कितने टाइम में अर्निंग स्टार्ट हुई, पूरा का पूरा आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अपने पहले सक्सेसफुल ब्लॉग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप सभी हमारे पुराने वीडियोस को भी देखते रहिए ताकि वहाँ के भी कंटेंट को, वहाँ के भी इन्फॉर्मेशन को आप सभी द्वारा कंज्यूम किया जाए। अब बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है मेरा पहला सक्सेसफुल ब्लॉग की डिटेल्स। तो मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये दे दूं कि मैं जिस सक्सेस की बात कर रहा हूं, जिस सक्सेसफुल ब्लॉग की बात कर रहा हूं, उस सक्सेस के बारे में अगर मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको पता लगेगा तो आपको भले ही वो अमाउंट बहुत छोटा लगे, वो अमाउंट आज बहुत छोटा लगता है, बट एट दैट टाइम वो अमाउंट बहुत बड़ा था। ट्रैफिक का वह अमाउंट बहुत बड़ा था, अर्निंग का वह अमाउंट बहुत बड़ा था। तो आज के इस वीडियो में चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि मेरा पहला ब्लॉग कौन सा था, कौन सी होस्टिंग लिया था मैंने, कैसे सक्सेस मिली, तो सब कुछ एक एक करके बात करते हैं। तो टाइम था दिवाली का, 2017 साल दिवाली का टाइम, और उसी टाइम मैंने रजिस्टर किया एक डोमेन नेम जिसका नाम था diwaliimages.com। ये मेरा डोमेन नेम था। अब मैंने क्यों रजिस्टर किया था आप सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगी। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार माई स्मार्ट सपोर्ट करके, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। वो बता रहे थे कि कैसे 127 या 99 रुपीस का प्लान आता है डोमेन नेम खरीदने के लिए गोडेडी से। मैंने उन्हीं के वीडियो को देखकर अपना पहला डोमेन रजिस्टर किया, और डोमेन भी कैसे रजिस्टर किया बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए हो सकती है। मैं बैंक गया था अपने पेरेंट के साथ, बैंक में अकाउंट खुला मेरा, मुझे एटीएम मिला, और फिर उस एटीएम से ट्रांजैक्शन करके मुझे वह डोमेन मिला था। उस टाइम पे मैं क्या किया था, गोडेडी से ही डोमेन लिया और गोडेडी से ही 3 मंथ्स का एक होस्टिंग प्लान भी परचेज किया। दिवाली का टाइम था तो मैंने होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीदा। मुझे लगा था कि इवेंट ब्लॉगिंग करेंगे, उन्होंने बताया था वीडियो में, तो इवेंट ब्लॉगिंग का मेरा प्लान था कि चलो इससे ही सक्सेस मिलेगी। तब तक मेरे पास एक अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट था, लेकिन जिस ब्लॉग से मुझे अप्रूवल मिला था वो जो ब्लॉग था वो मेरा सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं अपने एक सक्सेसफुल ब्लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो करीबन 1500 रुपए हमने इन्वेस्ट किए डोमेन और होस्टिंग मिलाकर, 3 महीने का वो होस्टिंग मुझे मिला था। लेकिन हुआ क्या, मैंने कुछ पोस्ट भी डाले बट नो रिजल्ट, ऑल वेस्टेड, पैसा टाइम कुछ भी नहीं, कुछ ट्रैफिक नहीं आया, कोई अर्निंग नहीं हुई, मतलब ऑल वेस्टेड। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको वेस्टेज नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वह पहला कदम था मेरे इस ब्लॉग को सक्सेस कराने में, क्योंकि वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। इंस्पिरेशन कब मिला, जब मैं अपना सर्च कंसोल जब अकाउंट खोला तो मुझे दिखा कि मेरे जो कीवर्ड था diwaliimages.com, तो सेम इसी टाइप के लोग गूगल में सर्च कर रहे थे, diwaliimages.com तक गूगल में लोग सर्च कर रहे थे, और वहाँ से 5-6 सर्चेज मुझे दिखे थे, मतलब वहां से कुछ एक क्लिक्स मेरे साइट पे आया था। तो अब क्या करें, अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई इसमें काम आगे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके बाद फिर और न्यू ईयर पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन अगेन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन टाइम आया जब होली का, तो होली में मेरे साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया, और वो ट्रैफिक था पिंटरेस्ट से। आपको ही पता होगा कि पिंटरेस्ट एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ है जहाँ से आप बहुत अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। मैं आगे इसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा और मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे इंसाइट्स भी रखूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पिंटरेस्ट से मुझे बहुत ट्रैफिक आया, और वो जो बहुत ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा भी नहीं था, वो ट्रैफिक था ऑलमोस्ट 3000 से 4000 का मुझे ट्रैफिक आया था। 1 मार्च का शायद दिन था 2018 में, मुझे 3-4 हज़ार का ट्रैफिक मिला। मैं उस वक्त दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा था, तो मैंने फ्रेंड्स सब के साथ शेयर किया कि चलो भैया इतने ट्रैफिक आ गए हैं, 20-25 का राइट नाउ मुझे कभी कभी दिखने लगा, तो मुझे लगा कि चलो भाई हमने तो इवेंट ब्लॉगिंग सक्सेसफुली कर लिया। अब ये इतना इंस्पायरिंग स्टोरी था मेरे लिए, खुद मेरे लिए इतना ऐसा इंसिडेंट था, ऐसा इवेंट था कि जो कि मुझे बहुत एक्साइट किया, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि चलो भाई इस तरह से ट्रैफिक ले सकते हैं, इस तरह से
अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे उस 3000 के लिए लगभग $2 से $3 की अर्निंग हुई थी मेरे एडसेंस अकाउंट में, वो मेरे फर्स्ट अर्निंग थी गूगल एडसेंस के थ्रू। तो इस इंसिडेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब पहला डॉलर मुझे देखने को मिला था अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। बाकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो तो आगे चल के ऐड ऑन हुई, दूसरे ब्लॉग्स के थ्रू भी ऐड ऑन हुआ, लेकिन उस टाइम पर मुझे काफ़ी खुशी मिली कि चलो $3 हुए एक दिन में, 3000 ट्रैफिक आया, तो ये सब काफ़ी अच्छा रहा था। अब बाद में क्या है कि मैंने इस ब्लॉग्स पे और भी काम किया, इस ब्लॉग के थ्रू मेरी वही लगभग $400-500 की कमाई भी हुई, ट्रैफिक भी 5-6 लाख 10 लाख जो भी आना था वो आया पिंटरेस्ट से, बाकी दूसरे इवेंट्स को मैंने टारगेट किया था। लेकिन फिलहाल मैंने इस डोमेन को ड्रॉप कर दिया है, मैंने रिन्यू नहीं कराया है पिछले काफ़ी टाइम से। तो जो लोग पीछे जाकर देखने पसंद करेंगे इस डोमेन के बारे में, वो जाके देख सकते हैं विवेक मशीन से, वहाँ पे आपको दिखाया कि कैसा डोमेन। फिर मैंने इसको ब्लॉगर पे भी होस्ट किया, तो मेरा जो पहला होस्टिंग का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बेकार था। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप किसी काम में फेल कर रहे हैं ना, तो उसको फेलियर आप नहीं मानिए, वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए, वहाँ से कोई स्टोरी ऐसी समझिए जो आपको आगे एक्साइट करे काम करने के लिए। बाकी डोमेन होस्टिंग ब्लॉगिंग ये सब तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप नए हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और किसी भी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कॉन्टैक्ट करें मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।